दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर आप सीखेंगे कि मोटर कहीं खराब तो नहीं है, वो कैसे चेक करेंगे। दोस्तों इस वीडियो के बाद में आप गारंटी है आप मोटर को चेक करना सीख जाओगे। तो दोस्तों इस पे समझने से आपका बहुत ही अच्छे डाउट क्लियर हो जाएंगे, फिर बाद में आप मल्टीमीटर से मोटर पे भी चेक करेंगे ताकि आपके जितने भी डाउट है बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। मोटर के अंदर तीन स्टेप होती है चेक करने की। सबसे पहली जो हम मोटर को चेक करते हैं वो करते हैं हम बॉडी एयर चेक करते हैं मोटर का। उसके बाद में दोस्तों हम चेक करते हैं कंटिन्यूटी टेस्ट जो कि वाइंडिंग का आपस में होता है। थर्ड चेक करते हैं मोटर का रेजिस्टेंस। तो दोस्तों ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी मोटर को चेक करने के लिए। तो एक एक करके तीनों को कवर कर देता हूं मैं, फिर बाद में हम प्रैक्टिकल की बात करेंगे। तो आपने मोटर की कनेक्शन प्लेट देखी होगी, वो कनेक्शन प्लेट कुछ इस तरीके की होती है। ये थ्री फेज मोटर की है, ठीक है। थ्री फेज की मोटर की हम बात करेंगे, थ्री फेज मोटर को कैसे चेक किया जाता है। तो थ्री फेज मोटर की कनेक्शन प्लेट कुछ इस तरीके की होती है, उसमें 1 2 3 4 5 6 टर्मिनल होते हैं। तो दोस्तों क्या होते हैं 6 टर्मिनल वो मैं आपको बताता हूं। सिंपल सी बात यह है कि हमारे जो थ्री फेज मोटर है तो उसका मतलब यह है कि इसके अंदर तीन वाइंडिंग होती है। तीन वाइंडिंग का अर्थ दोस्तों, जैसे तीन वाइंडिंग होती है, तीन वाइंडिंग का मतलब तीन तार है लंबे लंबे, और इन तीन तार को लपेट के हमारी मोटर के अंदर डाल दिया। बहुत ही सिंपल होता है दोस्तों मोटर को चेक करना, कोई बड़ी बात नहीं है। यानी सिंपल सी बात है, एक तार हमारी मोटर के अंदर गया, जैसे आपको ये 6 तार दिख रहे हैं ना, ये इधर के तीन को अलग मानो, यानी इस साइड के तीन को अलग मानो, इस साइड के तीन को अलग मानो। अब जैसे मैंने आपको बताया 6 तार होते हैं, तो तीन तार हमारी मोटर के अंदर जाते हैं और वो तीन तार घूम के वापस से हमारी दूसरी साइड आके लग जाते हैं। जैसे यानी ये तार हमारी मोटर के अंदर गया और वो पूरा राउंड राउंड होके यहाँ पे आके लग गया, ये तार पूरा अंदर घूम के यहाँ पे आके लग गया, और ये तार यहाँ पे घूम घूम के यहाँ पे आके लग गया। इसको वाइंडिंग बोलते हैं, यानी जो तार घूम के आता है ना अंदर से उसको वाइंडिंग बोलते हैं, होता वो एक तार ही लंबा। तो दोस्तों अगर मोटर आपकी नहीं चल रही है और आपको टेस्ट करना है तो आपको क्या करना है वो स्टेप बाय स्टेप आप देखिए और उसी तरीके से कीजिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले आपको करना है बॉडी एयर टेस्ट। तो दोस्तों इस मोटर को हम तीन तरीके से टेस्ट करते हैं, वो तीनों हमको आने चाहिए। तो दोस्तों ये एक 7.5 HP की ABB कंपनी की मोटर है और हम इसको चेक करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम जो मोटर को चेक करेंगे, इसके अंदर तीन वाइंडिंग होती है, तीनों वाइंडिंग को ये मोटर बॉडी एयर तो नहीं है वो हम चेक करेंगे। तो दोस्तों बॉडी एयर चेक करने के लिए आप सबसे पहले जो मल्टीमीटर है, इस मल्टीमीटर के अंदर हम इस मल्टीमीटर के जो नॉब है, इस नॉब को हम बजर पे लाएंगे। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बजर, इस बजर पे हम मल्टीमीटर के नॉब को लाएंगे। तो इस बजर पे मैंने इसको लगा दिया, तो अब क्या होगा इससे, तो दोस्तों इससे ये होगा जब भी मैं इन दोनों वायर को शॉर्ट करूंगा तो यहाँ पे मेरे इस मल्टीमीटर में से कुछ साउंड आएगी। अभी आपको साउंड क्लियर नहीं पाएगा, पर दोस्तों यहाँ पे जो वैल्यू है यहाँ पे वैल्यू चेंज हो जाएगी। अभी देखिए जैसे मैं इसको टच करता हूँ तो यहाँ पे वैल्यू चेंज होती है, और वापस हटाता हूँ तो वापस से वैल्यू जीरो हो जाती है। तो दोस्तों इससे क्या, हम सबसे पहले मोटर की बॉडी चेक करेंगे कहीं मोटर की कोई वाइडनिंग आपस में कहीं बॉडी पे तो अर्थ नहीं है। तो बॉडी पे अर्थ करने पे भी हमारी मोटर बार बार ट्रिप हो रही होती है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, जो 6 टर्मिनल है 6 टर्मिनल पे एक वायर को हम कोई से भी एक टर्मिनल पे लगा देंगे और दूसरे वायर को हम एक बॉडी पे लगाएंगे। तो ये बॉडी पे हमने यहाँ पे लगा दिया, तो हमारी मोटर में कोई भी, हमारे मल्टीमीटर में कोई भी रीडिंग नहीं आ रही है। तो मतलब हमारी ये जो वाइंडिंग का सिरा है ये टर्मिनल बॉडी अर्थ नहीं है। इसके अलावा दूसरा देखेंगे तो दूसरा भी कोई रीडिंग नहीं आ रही, तो हमारा ये भी सिरा सही है। तीसरे पर लगाएंगे, ये भी सही है। चौथा लगाएंगे, ये भी सही है, ये भी सही है, और ये भी सही है। यानी हमको एक पे दो दो सेकंड लगा के रखना है। अभी देखिए जैसे मैं यहाँ पे बॉडी पे लगाता हूँ तो ये आपस में कंटिन्यूटी शॉर्ट बताएगा। तो देखिए अभी मैंने क्या लगा रखा है, कनेक्शन प्लेट के बोल्ट पे लगा रखा है जिससे हमारे कंटिन्यूटी दिखा रहा है। तो दोस्तों ऐसे हमको कंटिन्यूटी चेक करनी है कहीं ये मोटर बॉडी एयर तो नहीं है। तो हमको सबसे पहले बॉडी एयर चेक करना है, उसके बाद में दोस्तों वाइंडिंग ओपन टेस्ट चेक करना है। तो दोस्तों वाइंडिंग ओपन टेस्ट क्या होता है, इसको कंटिन्यूटी टेस्ट भी बोला जाता है, ये वाइंडिंग की कंटिन्यूटी कहलाती है। अब इसके बाद में दोस्तों हम इस वाइंडिंग को चेक करते हैं कि आपस में दोनों जो वाइंडिंग है ये वाइंडिंग बीच में से ब्रेक तो नहीं हो गई। यानी जैसे क्या होता है दोस्तों, ये एक तार है, ये तार पूरी मोटर में लपेट के आता है, तो यही तार यहाँ पे बराबर आ रहा है नहीं वो हमको चेक करना पड़ेगा। तो इसको बोलते हैं दोस्तों वाइंडिंग कंटिन्यूटी। तो वाइंडिंग कंटिन्यूटी भी हम इसमें ही चेक करते हैं, ये बजर के साइन भी चेक करेंगे। इससे दो चीज़ें चेक हो जाएगी, इससे तो एक चीज़ ये चेक होगी हमारे आपस में दोनों वाइंडिंग कहीं शॉर्ट तो नहीं है, और दूसरी चीज़ हमारी वाइंडिंग जो है पूरी कंटिन्यूटी आ रही है नहीं आ रही। तो दोस्तों अभी हम सबसे पहले किसी भी एक टर्मिनल पे लगाएंगे और इसके आगे के जो टर्मिनल है इस पे एक पे लगाएंगे। तो देखिए अभी दोस्तों मल्टीमीटर में कोई भी रीडिंग नहीं आ रही, तो मतलब ये सिरा और ये सिरा आपस में भिड़ा हुआ नहीं है, इसमें से एक सिरा भिड़ा हुआ रहना चाहिए। देखिए इसमें दिखा रहा है, तो मतलब ये वाइंडिंग और ये वाइंडिंग सेम है, ये वाइंडिंग का पहला सिरा और ये वाइंडिंग का दूसरा सिरा है। इसके अलावा दोस्तों तीसरे पे चेक करेंगे तो तीसरे पे भी नहीं दिखा रहा है, मतलब हमारी ये वाइंडिंग दोनों एक है। इसके अलावा दोस्तों अब दूसरे पे मल्टीमीटर की नॉब को लगाया, अब इस पे लगा के चेक करते हैं। तो दोस्तों हमारी कोई रीडिंग नहीं आ रही है, इस पे लगाया तो भी नहीं आनी चाहिए क्योंकि ये दोनों वाइंडिंग एक है, अब ये इसके साथ आनी चाहिए, तो ये आ चुकी है और ये वाइंडिंग में हमारी बिल्कुल सही है। इसके बाद में दोस्तों मैं तीसरे पे लगाता हूँ और तीसरे पे भी हम तीनों पे एक एक करके चेक करेंगे। तो दोस्तों इस पे चेक करा, नहीं आनी चाहिए, इस पे भी नहीं आनी चाहिए, और इस पे हमारी कंटिन्यूटी दिखानी चाहिए, और ये दिखा रही है, मतलब हमारी जो तीनों वाइंडिंग है वो तीनों वाइंडिंग आपस में कनेक्ट है। तो तीनों वाइंडिंग हमारी आपस में कहीं पे भी ब्रेक नहीं है, ये हमको पता चल गया। इसके बाद में दोस्तों हम चेक करते हैं रेजिस्टेंस टेस्ट। तो रेजिस्टेंस टेस्ट में क्या होता है, रेजिस्टेंस टेस्ट एक बहुत ही
इंपॉर्टेंट होता है, ये हम ये चेक करते हैं हमारी ये जो वाइंडिंग है, जैसे मैंने भी आपको बताया तीन वाइंडिंग होती है, एक दो तीन। जैसे हम मानते हैं कि रेजिस्टेंस आया 3.5 ओहम, ठीक है, दूसरे का आया 3.4 ओहम और तीसरे का आया 3.5 ओहम, यानी तीनों का रेजिस्टेंस बिल्कुल सेम आया, लगभग सेम आया। पर दोस्तों कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, जैसे रेजिस्टेंस का 3.5 आ रहा है, इसको आ गया 2.4 या फिर इसका भी आ गया 2.4, यानी रेजिस्टेंस अनबैलेंस हो गया, तो उस समय दोस्तों हमारी मोटर जो है वो ख़राब होने की 100% चांस है। उस समय हमको उस मोटर को खोल के उसको वायरनेस करना चाहिए अच्छे से, फिर बाद में उस मोटर को फिट करना चाहिए। अब दोस्तों एक और चीज़ होती है वो हमारी मोटर की एफिशिएंसी के ऊपर भी निर्भर करती है, वो होता है दोस्तों इस मोटर का रेजिस्टेंस चेक। तो हमको मोटर का रेजिस्टेंस चेक करना चाहिए, रेजिस्टेंस कितना आना चाहिए उसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बना दूंगा, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अभी हम चेक करेंगे कि आपस में तीनों का जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस आपस में डिफरेंस तो नहीं है, क्योंकि रेजिस्टेंस हमेशा सेम आने चाहिए तीनों वाइंडिंग का। अगर ज़्यादा अनबैलेंस है तो हमारी मोटर क्या बराबर एफिशिएंसी नहीं देगी और हमारी मोटर बाद में जाके खराब हो जाएगी। तो दोस्तों अब मैं इस मल्टीमीटर को रेजिस्टेंस पे सेट करता हूँ, तो रेजिस्टेंस का साइन यह है, यहाँ पे ओम बना हुआ है और ये इसको मैंने इसकी नोब को रेजिस्टेंस पे कर दिया, ठीक है। रेजिस्टेंस पे करने के बाद दोस्तों अब मैं इसको रेजिस्टेंस मोटर का चेक करूंगा। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहली वाइंडिंग पर इधर लगाया और वाइंडिंग के दूसरे सिरे पे मैंने लगाया, तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस आ रहा है वो आ रहा है दोस्तों, तो दोस्तों जो मेरा रेजिस्टेंस आ रहा है वो आ रहा है 3.7 ओम। इसके बाद में दोस्तों मैं दूसरी वाइंडिंग पे लगाऊँ, दूसरी वाइंडिंग के ये सिरा और इस पे लगाता हूँ, तो दोस्तों जो मेरा रेजिस्टेंस आता है वो आता है 3.3, ये धीरे धीरे डाउन हो रहा है और ये 3.3 ओम आ गया। तीसरे पे लगाता हूँ दोस्तों, तो यहाँ पे सिरा लगाया और यहाँ पे लगाया, तो मेरा जो रेजिस्टेंस आता है वो आता है दोस्तों 3.3 ओम। तो दोस्तों लगभग तीनों का जो रेजिस्टेंस है वो तीनों का रेजिस्टेंस सेम है, मतलब मेरी मोटर बिल्कुल परफेक्ट और बिल्कुल ओके है। तो दोस्तों अब हम इसको 3-phase सप्लाई देके ट्रायल लेके चेक कर सकते हैं, और अगर ये मोटर बिल्कुल सही एम्पीयर लेती है तो इस मोटर को हम प्लांट में वर्किंग में ले सकते हैं। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो सही लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आपका कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रति रह गया हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको मल्टीमीटर के ऊपर डिटेल वीडियो चाहिए तो कि मल्टीमीटर कैसे काम करता है, इसका क्या क्या फंक्शन है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, मैं इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बना दूंगा।